हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन एज पर IS 10262/2019। दोस्तों, पिछले साल ही हमारा जो IS कोड था कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए 1982 वाला, उसको रिवाइज कर दिया गया है और 2019 में दोस्तों एक नया IS कोड, नई मेथड दोस्तों यहाँ पर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने स्पेसिफाई की है। तो अब दोस्तों, ये जो नई मेथड है उसके हिसाब से कैसे हमें कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन करनी है, वो सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर दोस्तों बहुत कम मेहनत में, मतलब 2 मिनट में आप जो है कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन बना सकते हैं। मिक्स डिज़ाइन में दोस्तों आपको पूरी एक्सेल शीट मिलेगी, उसमें सारा डेटा आएगा कि कौन सा मटेरियल कितना कंज्यूम होने वाला है, प्लस दोस्तों बाय वॉल्यूम उसका रेशियो भी हमें मिल जाएगा, प्लस एक बैग का अगर आप कंक्रीट बना रहे हो साइट पे तो उसमें कितना पानी, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हमें मिक्स करने होंगे। और दोस्तों, अगर आप लेबोरेटरी में 9 क्यूब कास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या वेट रहेगा अलग अलग मटेरियल का, सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। मतलब आपकी जो मेहनत है पूरी डिज़ाइन की, कैलकुलेशन की, जो 1-2 घंटे तक आप पूरा कैलकुलेशन करते हो, उसको दोस्तों सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों वो मैंने आप बनाई है एज़ पर IS 10262/2019। दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है वो मैंने 45 ग्रेड तक का कंक्रीट डिज़ाइन के लिए बनाया है, उसके ऊपर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है, ठीक है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसके पहले दोस्तों अगर मैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से बहुत सारे एक्सेल शीट शेयर करता हूँ सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जो वीडियो है मेरे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, जैसे आप कर्सर को, जो माउस का जो कर्सर है उसको आप यहाँ पर लाएंगे, डिज़ाइन ग्रेड, मतलब कौन सा ग्रेड का कंक्रीट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको लिखे एंटर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, 25, 30। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा 30 ग्रेड का कंक्रीट बना रहा हूँ, M30 का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 30 करूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, यहाँ पे उसकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है कैलकुलेट होके आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात नोट करना दोस्तों, जहाँ जहाँ पर आपको इस तरह के सिंबल, मतलब ये जो कलर आपको दिखे वहाँ पे आपको खुद एंटर करना है, बाकी जो यह सिंबल है यहाँ पर आपने कुछ भी एंटर नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो जैसे मैं दोस्तों, आप यहाँ पे M30 डालोगे तो यहाँ पे उसकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद थर्ड है वाटर सीमेंट रेशियो। अब दोस्तों यहाँ पे है एंटर द वाटर सीमेंट रेशियो फ्रॉम ग्राफ और ग्राफ टेबल अकॉर्डिंग टू द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। मतलब दोस्तों, अब यहाँ पर हमें जो है नया ग्राफ दिया गया है, इसके हिसाब से हमें वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे कि दोस्तों, M20 ग्रेड के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी है, 26.66 है, तो 26.66 और ये थर्ड कव जो है दोस्तों OPC 53 ग्रेड के लिए अप्लाई होता है, तो हम थर्ड कव के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 0.62 यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो। बट दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है M30 के हिसाब से, ठीक है, या फिर मैं इसको चेंज करके M25 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों, M25 ग्रेड का कंक्रीट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो M25 और टारगेट मीन स्ट्रेंथ है 31.56, तो यहाँ पे 31.56 पे मेरा जो है कितनी ये आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो कई बाइसेक्ट होगा। अगर आप दोस्तों आप ग्राफ में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने ऑलरेडी जो है ग्राफ को बाइसेक्शन करके बना लिया है, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारी 31.56 के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो ग्राफ पर से जो आएगा वो 0.57 आएगा, तो 0.57 हम यहाँ पे एंटर करेंगे, 0.57, ठीक है, ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो आ गया। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। दोस्तों जनरली मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारे M20 mm ही रहती है, तो यहाँ पे हम 20 mm एंटर करेंगे, ठीक है। अब 20 mm जैसे आप एंटर करोगे तो नीचे एक देखिए फिफ्थ में क्या है, वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी कंज्यूम लगेगा, मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए पानी की रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों वो टेबल 2 जो है, ठीक है, ये टेबल 1 था, ये टेबल 2 है,
उस पर मैक्सिमम साइज़ जैसे आप 20 डालोगे तो 186 लीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप 20 डालोगे 186 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10 डालोगे तो यहाँ पे हमारा 208 आ जाएगा, और अगर आप 40 डालोगे तो यहाँ पे हमारा 165 लीटर्स ऑफ वाटर आ जाएगा। पर यहाँ पे हमारा 20 है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 20 एंटर करोगे तो आपका जो है वाटर यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये थोड़ी नई चीज़ है कि डायरेक्ट हमें कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, मतलब कोर्स एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट के वॉल्यूम में से कोर्स एग्रीगेट का जो है वॉल्यूम कितना है। अब दोस्तों ये फाइंड करने के लिए आपको टेबल नंबर जो है, ठीक है, IS का जो क्लॉज 5.5 टेबल नंबर 5, ठीक है, IS कोड की जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये टेबल है, यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोर्स एग्रीगेट का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो दोस्तों ये कहाँ से आएगा, ये टेबल नंबर 5 पर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ मटेरियल 0.5। दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट दिया गया है एज पर जो फाइन एग्रीगेट का जो जोन है उसके हिसाब से, मतलब अगर फाइन एग्रीगेट का जोन चेंज होगा तो हमारा कोर्स एग्रीगेट का टोटल वॉल्यूम भी चेंज होगा। बट यहाँ पे एक मार्क करने वाली बात है कि ये जो रेशियो है ये 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है। तो अगर हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो तो 57 है तो उसके हिसाब से टेबल नहीं बैठेगा। बट उसके लिए भी दोस्तों मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके रख दिया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको ये जो टेबल है यहाँ से आपको पिकअप करना है क्या कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारी 20 है, ठीक है, और हमारा सैंड जोन, मतलब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सैंड कन्फर्मिंग जोन 2 है। तो यहाँ पे आप 1-4 में आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 एंटर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टेबल है, ठीक है, ये 20 है और जोन 2 है, उसके हिसाब से हमारा जो है कितना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट 0.62। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कितना आया, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। यहाँ से मैं लिंक कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो ये लिंक हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखना है कि 20 mm में कौन से, और जोन 2 के हिसाब से कोर्स एग्रीगेट का टोटल वॉल्यूम 0.62। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है 0.62, ठीक है। तो 0.62 एंटर करने के बाद, 0.62 एंटर करने के बाद आपको देखिए, तो 0.62 एंटर होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जो आपका जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। बट ये सारी चीज़ें किसके लिए है, ठीक है, यहाँ से तो वॉल्यूम मिल गया, पर ये सारी चीज़ें किसके लिए, क्योंकि IS कोड में एक दिया गया है। तो दोस्तों ये जो करेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें, जैसे मैंने बताया कि ये जो है 0.5 के लिए था, तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है तो 0.50 है। तो यहाँ पे IS कोड में और एक चीज़ लिखी गई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द एग्रीगेट वॉल्यूम आर गिवन इन टेबल नंबर 5 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, बट विच मे बी सुटेबली एडजस्टेड फॉर द अदर रेशियो, मतलब उसको एडजस्ट किया जा सकता है। द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू दैट ऑफ टोटल एग्रीगेट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.01 फॉर एवरी डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। दोस्तों जितना हमारा 0.5 से वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा, राइट, हमें क्या करना है, अगर कम है, अगर 40 हो गया, तो हमें जो है ये कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे एक्सेल शीट में आपका इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि डिक्रीज एट ए रेट ऑफ 0.01 फॉर एवरी इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर हमारा 0.5 से वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना था, 0.57 था, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर 0.01 फॉर एवरी करेक्शन, फॉर एवरी करेक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब 0.05 के लिए इंक्रीज होता है तो हमें 0.01 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 0.07 इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा कितना ऐड हो गया, 1.4% ऐड हो गया, मतलब 0.61 हो गया। मतलब आपको कुछ करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इस तरह से हमें करेक्शन होना है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होने वाला है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंड का वॉल्यूम, फिर जैसे ही दोस्तों आपको कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम आ जाएगा, 1- आप करेंगे टोटल एग्री, 1- होकर यहाँ पे आपका फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम भी यहाँ पे आ जाएगा, बट ठीक है। उसके बाद है दोस्तों रिक्वायर्ड स्लम वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो हमारे IS कोड है उसमें जो
वाटर कंटेंट या एग्रीगेट दिए गए हैं वो उसकी जो स्लम वैल्यू है वो स्टैंडर्ड 50 mm रखी गई है, राइट। तो ये जो भी थे डेटा है वाटर जो है हमारा ये 50 mm स्लम के लिए है। तो हमें अगर स्लम को बढ़ाना है, ठीक है, 50 mm स्लम है उसके लिए हमें इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। बट देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, 86 लीटर ऑफ वाटर कंटेंट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर 50 mm स्लम। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्लम वैल्यू बाय 75, मतलब 50 + 25, राइट, तो देन वी हैव टू ऐड 3% एक्स्ट्रा वाटर। एंड सिमिलरली फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 25 mm स्लम, राइट, ऐड 3% एक्स्ट्रा वाटर। मतलब 25 mm अगर हमें स्लम बढ़ाना है, ये जो वाटर है ये 50 mm स्लम के लिए है, ठीक है। अगर हमें 25 mm स्लम बढ़ाना है, मतलब 50 से हमें 75 जाना है, तो एक्स्ट्रा 3% वाटर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि कितना हमें ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे 50 करेंगे तो 86 आएगा, अगर आप 75 कर देते हो तो यहाँ पे वाटर ऐड हो जाएगा 3%। उसी तरह से आप 100 करोगे तो यहाँ पे उस हिसाब से वाटर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 150 करोगे तो यहाँ पे उसका वाटर कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 125 mm के लिए रखेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे स्लम वैल्यू आपको जो चाहिए वो एंटर कर दीजिए, तो आपका जो वाटर कंटेंट वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। वाटर कंटेंट आते ही यहाँ पे सीमेंट हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 1 m³ के लिए। सीमेंट की पैसिफिक ग्रेविटी 3.15 है, उसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पैसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट अगर आपने फाइन की है तो एंटर कीजिए, बाकी ये जो चीज़ है वो आपको सेम रहने देनी है। उसके बाद वॉल्यूम जो है कंक्रीट हमारा 1 m³ है। एयर कंटेंट कितना है, 1% है, मतलब उसको 0.01 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है, उस पर से। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा है, क्योंकि हमारे पास वाटर और सीमेंट दोनों की क्वांटिटी है, तो इन दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से ये तीनों का प्लस करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन अप्लाई किया है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 0.67। अभी उसके टोटल एग्रीगेट जो है हमारा 0.67, राइट, ठीक है। और दोस्तों ये टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइन प्लस क्रॉस एग्रीगेट, बस अब ये टोटल वॉल्यूम है उसका हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, टोटल कोर्स एग्रीगेट हमें फाइंड करना है। तो इसका जो 0.61, मतलब ये 0.67 का 0.61% जो है हमारा क्या है, कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी आ जाएगी। और उसी तरह से ये हमारा जो ये टोटल वॉल्यूम है 0.67 उसका जो है 0.39 हमारा फाइन एग्रीगेट है, तो यहाँ पे वो फाइन एग्रीगेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, ये केजी में हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जैसे आप ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं। नीचे दोस्तों आपका सारा कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सीमेंट कंटेंट हमारा 356 kg, वाटर हमारा 202 लीटर चाहिए, फाइन एग्रीगेट 695 kg, कोर्स एग्रीगेट हमारा 1150 kg। उसके अंदर भी दोस्तों अगर 20 mm वो 10 mm यूज़ करते हैं तो उसका भी मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया है। स्लम हमारा जो है ऊपर जो हमने ले रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा 125 mm, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मिक्स प्रपोर्शन बाय मास, मतलब 1 m³ के लिए हमें 202 लीटर चाहिए, ये सीमेंट 356, फाइन एग्रीगेट 695 और कोर्स एग्रीगेट 1150 चाहिए। उसका रेशियो भी यहाँ पे आ जाएगा 1:1.95:3.23, यहाँ पे रेशियो भी आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको साइट पे बना रहे तो 1 bag के लिए आप बनाना चाहोगे तो आप उसके अंदर दोस्तों आपको 29 लीटर्स ऑफ वाटर, 50 kg आपको सीमेंट चाहिए होगी, फाइन एग्रीगेट आपको 98 kg चाहिए और कोर्स एग्रीगेट 162 kg आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर लेबोरेटरी में बना रहे हो तो क्वांटिटी आपको इस तरह से 9 cube के लिए आप अगर बना रहे हो तो 10 kg वाटर चाहिए, 17 kg सीमेंट चाहिए, फाइन एग्रीगेट 33 kg, कोर्स एग्रीगेट आपको 54 kg की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप कंक्रीट के मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मैंने सारी डिटेल दे रखी है, तो वो उस वेबसाइट पर जाके और डिटेल आप पढ़ सकते हो कि कंक्रीट की जो मिक्स डिज़ाइन वाला सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये कैसे बनाए। तो वेबसाइट पर ज़रूर जाइए और विजिट कीजिए, और जो ये एक्सेल शीट है दोस्तों ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया चेंजेस कितने करने हैं, डिज़ाइन ग्रेड चेंज करना है, वाटर सीमेंट रेशियो आपको लेना है यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं
मैक्सिमम साइड ऑफ एग्रीगेट, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना है, जैसे कि यहाँ से आपको ये उठाना है यहाँ पे एंटर करने के लिए, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऊपर से ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है ये जो एक्सेल शीट का यूज़ करते हैं कॉन्क्रीट की मिक्स डिज़ाइन जो है दोस्तों कर सकते हैं।